हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। तो मैं अच्छा खासा घूम रहा था, घर पे बोर रहा था, घूमने निकला हुआ था और घूमते घूमते ये पंचर हो गई यार। अब इसका पंचर सही करा, पंचर वाला था तो उधर पानी भरने गया, वो देखो पानी भर रहा है। अब चेक करेगा कहाँ से पंचर हुआ। यार किस्मत किस्मत इतना ख़राब है ना, क्या बोलूँ। अभिषेक भैया इसको लेके कहाँ कहाँ से, अभी जस्ट आया घर में घूम के, पता नहीं कहाँ क्या हुआ था, बोला देहरादून कहीं गया हुआ था। भाई देहरादून 280 280 560 560, फिर इधर उधर भी घुमा होगा, तब कुछ नहीं हुआ। मैं लेके निकला और ये पंचर हो गया। बताओ किस्मत बहुत दगा कर रही है किस्मत इस टाइम पे मेरे साथ। रुक जा साली, तू मेरे साथ दगा कर रही है ना, रुक अभी मैं बाइक लूँगा ना तब बताऊँगा मैं तेरे को। चलो भाई अभी पहले करवा लेता हूँ इसको सही। आ गया मैं फिर से, मतलब ब्लॉग तो मैंने सुबह स्टार्ट कर दिया था, खैर अभी दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। अभी मैं अक्की और रिफ्लेक्स, क्या तूने अलोन ब्लॉग्स ना, अलोन ब्लॉग्स मतलब है रिफ्लेक्स का। यार क्या कर रहा हूँ, गाड़ी क्यों बंद कर रहा हूँ, मैं गाड़ी बंद कर दे रहा हूँ यार। फिर बंद हो गया, पीछे कुछ है क्या, नीचे इधर ईटेड बस रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही डिस्कशन करने, चाचू पकड़ो ना ऐसे कैमरा। अभी हम लोग जा रहे हैं वो यहीं पे पकड़ो, आप भी आ जाओगे मैं भी आ जाऊंगा, चोमू भी आ जाएगा पीछे रहता। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे ना, हम लोग प्लान बना रहे थे मिलते जाके हमें कुछ बातचीत करना है। तो आज ही मेरा, मैं तो घर पे काम कर रहा था, अक्की का कॉल आया कि बहुत दिन से मिले नहीं, आ जाओ। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने हमारा काम भी हो जाएगा, तो अभी उसी लिए जा रहे हैं हम लोग। और ये देखो सामने खंबा लेके शाम को जा रहे हैं। भाई कहाँ भाई, खंबा कौन सा खंबा था वो, पता नहीं 15-20 फीट का खंबा लेके जा रहे हैं। बताओ घर पे लगाएंगे ना। चलो गाइस अभी हम लोग जाके गोलू मान को उठाते हैं, क्योंकि अभी गोलू मान ही घर पे, दिवाकर भी घर पे है शायद। तो दिवाकर को उठाते, गोलू मान को उठाते, सबको उठाते, क्योंकि सबके साथ डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये मैटर ही ऐसा है, समझ रहे हो। तो वो नहीं बताएंगे मैटर क्या है क्योंकि वो नहीं बता सकते किसको पहनना है, अब उसे बता देंगे तो वो भाग जाएगा। ये देखो अभी हम लोग आ गए, क्योंकि थोड़ा ये थोड़ा डीप डिस्कशन होना है, उस वजह से हम लोग आ गए यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा खाएंगे पिएंगे और डिस्कस करेंगे। इन्होंने बहुत वो अच्छा कर रखा है ना, बना अच्छा रखा है इन्होंने, इंटीरियर अच्छा बना है। इससे वो मेनू मांगे इनसे, दिवाकर का उठा उठा, देखो अगर आ सकता है तो ले आएंगे। अभी रुको एक मिनट गाइस, ये बंदा इतना बड़ा, मैं अपने ब्लॉग में गाली नहीं देता, दे देता इसका इसका। देखो एक तो शक्ल भी वैसे ही है, ऊपर से इसका है अक्की के तकले जैसी शक्ल है तेरी, चिल्ला हुआ आप तू समझ जा कौन सा टकला, ये वाला टकले की बात करी नहीं मैंने अब तू समझ जा कौन सा टकले की बात करी मैंने। और जो तेरा मुंह का छेद है ना, वो पूरा उस टकले के छेद जैसा है। अगर तू समझ गया तो तू समझ गया, अगर नहीं समझे तो नहीं। हाँ मेरी चाय आ गई गाइस, और तू क्यों पी रहा चाय, उसको दे चाय। मैं चाय पीता ही नहीं। तो दे उसको, दे उसको, दे। अच्छा ये पिएगा, मैं पीता ही नहीं। पीकम और कॉफी डेट पड़ा, सॉरी चाय डेट। चाय प्यार है, पता है चाय है प्यार। मैं तो लड़की ना हूँ। हाँ मैं तो भाई ना हूँ। तो चाय कितना सेक्सी है, और ऊपर से मैंने एक बार इसको पी लिया ना, तो और सेक्सी हो गया वो चाय। हम पे तो है ही ना क्या चाय तेरे को दे ही नहीं रहा कोई, तो तेरे को होगा कैसे। अभी यार दिवाकर का वेट करे, दिवाकर आ जाए तो एक बार हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर ले। मैं तो देखो पालथी मार के बैठ गया भाई मेरा याद है कहीं अच्छा अगर सिटिंग मिल जाए ना, पालथी मार के बैठ जाता हूँ, क्या दिक्कत है। इसकी इनकी रिसेप्शन में लड़की है क्या, अरे भगवान ठीक है गलत जगह आ गए हम लोग। देखो अक्की लाइन मारा, अक्की का तिरछी नज़र सीधा वहीं पे है। रुको आपके एंगल से देखूंगा अक्की का एंगल, देखो अक्की के एंगल से पूरा दिख रहा है भाई अक्की जो
गुगरे मन चाय क्यों नहीं पी रहा? गाइस देखो कौन है, मुंह छुपा दिया भाई, व्लॉग व्लॉग में आ रहा है, देखो काला कर दिया। अबे सालो दोनों आ जाओ ना, सामने आओ ना, व्लॉग में आओ ना, दोनों सामने आओ, दोनों सामने आओ। ये देखो ये है जार पे 20, वो कहा उसका, उसको ले, उसके ले, उसके गंदे हालत में लेना, गंदे हालत में नंगा नंगा करके फिर ले उसको। भाई ये कैसा लग रहा है, भिक्षु लग रहा है पूरा भाई। एक बार साइड से दिखा इसको, साइड से दिखा इसको। अरे तू अपने आप को दिखा भैसे, वो तो पूरा भिक्षु, महा कसम पूरा भिक्षु लग रहा है भाई तू। ये दोनों भी लोकल के है ना, तो इसलिए इन दोनों के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो आ सकते हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को वीडियो कॉल में लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। दिमाग देखा हम लोगों का कितने हम लोगों के पास। अरे ये देखो मोमो चाप रहे तीनों, ये दोनों मोमो चाप रहे, नहीं तुम खाओ मोमो। अरे अच्छा टेस्टी है, दिवाकर आ जा यार एक बार। अरे टेस्टी है गाइस, आ गया क्यूट बॉय भी आ गया हमारा, अक्की है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं पहले डिस्कशन, टाइम भी हो रहा है, घर भी जाना है, अभी हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद तो कुछ खाने का है तो मंगवा लो, फिर मैं तो करते शुरू हूँ, ठीक है? चलो भाई लोग रुको, देखता हूँ ये लोग कुछ खाते हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। गाइस हमारा डिस्कशन तो हो गया पूरा, तुम्हारे लिए दूर हो जाएगा, और इससे भी श्योरिटी मिल गया, उससे भी श्योरिटी मिल गया, उससे भी श्योरिटी मिल गया, अक्की से भी श्योरिटी मिल चुका है। अभी हम लोग बताएंगे नहीं क्या चीज़ें, उसको अभी टाइम लगेगा, वो बन जब पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही हम उसको दिखाएंगे या कुछ करेंगे। क्यों है कुछ अच्छा अभी रिफ्लेक्स वालों को तो सबको पता चल जाएगा, ग्रुप में मैं बता दूंगा क्या करने वाले, मैं क्या अक्की मैसेज डाल देगा, अक्की एक मैसेज डाल देना ग्रुप में कि हम लोग क्या करने वाले करके। बाकी तो यहाँ का हमारा हो गया खाना पीना, जो भी था बातचीत जो भी करना था हो गया, अभी चलो बाहर चलते, बाहर चल के मिलते हैं फिर। अभी गाइज आज करवा चौथ है और भाभी निकली हुई है, भाभी दिख रही है भाई आज, महा कसम ऐसा लग रहा ना कहीं मैं गार्डन गोर्डन में आ गया, परियों के शहरों में आ गया, क्योंकि आज सच धज की निकल रही है ना सारी की सारी। मम्मी देखती है रोज तो ठम्मा ऐसा लग रहा है, मतलब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां है, ये लोगों ने शादी कर लिया, जब हमारा शादी होगा तब क्या मिलेगा हमें? बुड्ढी बाबा जी का डुल्लू, बुड्ढी चंदन जाना उसको, कोई नहीं मेरे को मेरी ठम्मा ढूंढ के देगी। चंदन नगर ही तो जा रहे ना हम, हाँ चंदन दीदी साइड, थैंक यू। तो बुड्ढी बुंडी बुंडी अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दिवाकर क्यूट बॉय को छोड़ने। क्यूट बॉय दिख रहा है, ये देखो हमारे नया रेस्टोरेंट खुला है, बैम्बू रेस्टोरेंट, ये बैम्बू रेस्टोरेंट दिख रहा है यार, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यार, वहां पे बैम्बू डालते हैं। वहाँ पे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मत दो, वहाँ पे बैम्बू डाल के पैसा वसूल कर लेते। दुकान नहीं खोलते तो वो दुकान खोल रहा है, ठीक है? तो मैंने बोल रहा हूँ हम लोग भी बहुत खाते हैं, हम लोग भी आएंगे दुकान में आपके, फिर बताना कहाँ कहाँ पे दुकान है। तो पटा पटा के उसको जितने का सामान लेना था, 1000 रुपए का सामान और ज्यादा दे दिया, बट मैंने पूछा नहीं उसका दुकान का है। ये वो बंदा सोच रहा होगा एक कस्टमर बना लिया, लेकिन उसने एड्रेस ही नहीं बताया अपना, और ये देखो सामने ट्रैक्टर वाला, कोई नहीं कभी तो मिल जाएगा। लेकिन ये पहुंच गए निकल गए, अच्छा अच्छा बंदा था, उन्होंने साइड दे दिया हमें। ऐसे बंदे काश हर रोड में हर जगह मिल जाए तो हमारे तो मजे ही मजे हो जाए, बट मिलते नहीं है, दिक्कत ही है। और बाकी बात रही कि आप लोगों के लिए बहुत नया नया चीज आने वाला है, हम लोग मूवी बना रहे हैं, वैसे मूवी नहीं बोल सकते, मूवी नहीं बोलेंगे हम उसको, मूवी बट ना मतलब आप जितने भी रिफ्लेक्स वाले हमारे यहाँ पे लोकल में रहते हैं,
वो हर वे आपका एक्टिव दिखने वाला है और लाइक आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लाइक कंटेंट्स एंड ऑल लेके आने वाला है, लेके आने वाला है कंटेंट, लेके कंटेंट लेके आने वाला है। क्या हो गया इधर उधर क्या हो गया? लाइक ठोको, लाइक ठोको गाइस। गाइस अभी हमारा एक क्यूट बॉय जाने वाला है, देखो क्यूट बॉय जा रहा है, दरवाजा खोल बकवास, क्यूट बॉय को दरवाजा खोलना नहीं आ रहा है। तभी ऐसा हुआ है, चलते हुए गाड़ी से आने के इतने पैसे फेंक दिए पॉकेट में, पॉकेट से निकाला और फेंक दिया, बोला पता नहीं क्या है, अब हम ढूंढने निकले हैं। पीछे होगा और पीछे और पीछे, अब पता नहीं कितने रुपए का नोट था, वो बस पॉकेट में आया निकाला बत्ती बना के फेंक दिया। मेरे मतलब क्या चल रहा था, मैं उसको मोड़ मोड़ के बत्ती बना के फेंक दिया, कहीं मेरे क्या फेंका मैंने बेटा, पकड़ नहीं जाएगी तो मेरे को लग रहा है ये फूट के ले गया, मुझे भी यही लग रहा है वो ले गया, मुझे यहाँ पे रुका हुआ था ना वो ले गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे मेरे क्या दिमाग में चल रहा था, मैं बत्ती बनाया उसके अंदर मोड़ मोड़ के और फेंक दिया मैंने, चलते हुए गाड़ी से फेंक दिया और कुछ नहीं, बड़ा नोट तो नहीं था, चेक कर लो 50। कोई नहीं गाइस, इतने बड़े शहर में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, कल जिसको भी मिलेगा वो मोमो जरूर खाएगा। मुझे यही लग रहा है बाइक वाला, ये नहीं है बाइक वाला बोला पेट्रोल का पैसा निकल गया मेरा आज का। गाइस जिसको भी मिलेगा वो कल मोमो जरूर खाएगा। गाइस हो गया हमारा आज का सारा प्लानिंग एंड ऑल, कल से हम लोग निकलेंगे हंटिंग के लिए, वो आपको पता चल जाएगा कल क्या हंटिंग के लिए निकल रहे हम, मैं निकलेंगे, अक्की निकलेगा, विप्लव निकलेगा और अलोन सॉरी और शायद गोलूमोन भी आए, तो हम लोग कुछ ढूंढने के लिए निकलेंगे। 3-4 दिन तो हमारा उस पर लग जाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा काम है और बहुत हिम्मत लगा के करना पड़ेगा मेरे को वो, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें उस चीज़ को ढूंढ के, उस चीज़ को फाइनलाइज करने में, तो दिखाते रहेंगे हम लोग क्या ढूंढ रहे क्या नहीं, बट जो काम जब कंप्लीट होगा तभी आपको हम पूरा दिखाएंगे कि हम एक्चुअल में क्या ढूंढ रहे थे, क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। इसमें काफी पैसा लगेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट तो है उसमें मेरा, बट एज अ लीडर मैं भी कुछ लालच में नहीं हूँ कि मेरे को मेरे क्रिएटर्स कुछ दे कुछ दो, नहीं मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरे बंदे पहले सक्सेस हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा यार, कमाई तो जिंदगी भर करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं कमाई, तो कुछ पैसे अपने बंदों के ऊपर भी पीछे भी लगा के देखो, वो अच्छा रिजल्ट देंगे, मुझे पता है मेरे बंदे अच्छा रिजल्ट देंगे, तो लेट्स सी क्या होता है, कल से स्टार्ट करते हैं। और बाकी अभी मैं अक्की और अलोन को छोड़ने आया उनके घर, एंड ब्लॉग भी मैं यही खत्म करता हूँ क्योंकि यहाँ से फिर मैं अकेले अकेले घर जाऊँगा, क्या ही ब्लॉग शूट करूंगा है ना। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस, बाय बाय।